ये हमारी सबसे बड़ी वायरलेस ईयरफोन की कंपैरिजन है। सारी ईयरफोन कोई बहन के पर्स से मार लिया, पापा के बटुए से चुरा लिया, कोई दोस्त के कान से, और जो बच गए वो पापा के बटुए के पैसे से। नहीं करो ऑर्डर, बिकॉज़ ऑफ रिच। हमने इससे पहले अजीबोगरीब ईयरफोन ट्राई करके, कोई हड्डी को वाइब्रेट करने वाला चश्मे वाले ईयरफोन, ईयरफोन वाला फोन भी ट्राई करके, घड़ी वाला ईयरफोन, बड़ो सब कचरे के डब्बे के अंदर। ये सारे जितने ईयरफोन्स हैं, ये साबुन कहाँ से आया? अरे गाना बज रहा है। बड़ मजाक की बात नहीं, मेरा जो 250 ग्राम का हाथ है उसके बराबर ईयरफोन है। देखो एकदम सीधे से बताता हूँ, इन सबको एक एक करके टेस्ट करेंगे, तो आप तसल्ली से अपना बैठो, अपनी ईयरफोन पे सुनो, उसके बाद इनमें से कोई खरीद लेना। देखो जीवन सिंपल होना चाहिए। हमने ईयरफोन्स की टेस्टिंग के लिए 3 पॉइंट रखे। सबसे पहला, आवाज कैसी है आपको? अगर चमक छल्लोगी आवाजें सुननी है, छन छन छन, या फिर अगर आपको शहनाई सुननी है, या फिर तबला वगैरह दुख दुख, तो सारी लोज मिड्स हाई सब अलग अलग बताएंगे। दूसरा, कंफर्ट कैसा है रातों रात, और तीसरा आपका और आपके ईयरफोन कनेक्टिविटी और बिल्ड और बैटरी। लेट्स गो। हमने अलग अलग पैसे के हिसाब से भाई कैटेगरी बना रखी। सबसे पहला आप 20,000 के हो, इसके अंदर आता ही है क्या? ये है AirPods Pro 2। इतने महंगे ईयरफोन्स आते ही नहीं भाई, इतने महंगे फोन वोन आते हैं। साउंड में डेफिनेटली काफी तगड़ा, सब कुछ हिला देते हैं, और जेब भी। इसकी क्वालिटी में भाई एप्पल ने कोई कमी नहीं छोड़ी। इसको कान पे लगाओ भाई, इनसे बेटर नॉइस कैंसिलेशन आपको किसी ईयरफोन में नहीं देखने के लिए मिलेगी। जो स्पेशल ऑडियो वाले भी फीचर है, आपका फोन अगर ऐसा बड़ा, आपका सर्वर ऐसे घुमाते रहो, आवाज सामने से आती रही। अगर आपका केस ईयरफोन कहीं पे भी खो जाता तो ये ट्रैकिंग हो जाती है। बैटरी भी इसकी 27 घंटे के अराउंड चल जाती है, ANC अगर आप ऑन करते हो, और कॉल क्वालिटी कंफर्ट में भाई मजा आ जाएगा। बट एप्पल भाई बेस्ट चीजें बनाता है और बेस्ट प्राइस भी लेता है। ओवरऑल भाई साउंड क्वालिटी बढ़िया, सारी चीजें बढ़िया, हमने रेटिंग दे दी आपकी स्क्रीन के ऊपर। लेट्स गो। माय रईस बाबू, बेस्ट ईयरफोन, पैसा कोई कमी नहीं। भैया के पास बहुत पैसा है, इनको सबसे बेस्ट दिखाओ। 10,000 से 20,000 के बीच में हमारे पास हैं 5। सबसे पहले आ जाते हैं भाई गूगल के पिक्सल बड्स प्रो। ईयरफोन आप लगा लो तो थोड़ा सा तो अलग सा लगता है, हर किसी के कान में एकदम सही फिट नहीं आएगा। मेरे को हल्के से भारी फील होते हैं, तो अगर आप जिम विम जा रहे हो, ज्यादा देर बात करो, तो डेफिनेटली थोड़ा सा फील होता है। इसके मेरे को टच कंट्रोल काफी अच्छे लगे भाई, एक बार टच करो तो कभी मिस टच वाली फील नहीं आती, और बढ़िया काम करते हैं। इनकी ANC इनके प्राइस के हिसाब से काफी तगड़ी है भाई, मतलब एक बार आपने कान में लगा लिया, कुत्ता भौंकेगा आपको नहीं सुनाई देगा, काटेगा तब पता चलेगा। इससे पहले जो पिक्सल बड्स आए थे उनमें कॉल क्वालिटी बेटर थी, बट इस वाले में कॉल क्वालिटी काफी रफ सी फील हुई। आवाज की बात करें तो मतलब काफी बैलेंस सी आवाज आपको नहीं फील होगी। इसमें मिड जो है थोड़े ज्यादा आपको फील होंगे, हाईज हल्के से कम है। बट एक चीज इनमें अच्छी है, इतना बड़ा केस लगा रखा है तो 31 घंटे चल जाते हैं, तो बैटरी अच्छी खास। ओवरऑल एकदम सीरियस बताऊं भाई, डिसेंट है, बट 20,000 इनके लिए थोड़े ज्यादा है। नेक्स्ट है हमारे सैमसंग के गैलेक्सी बड्स 2 Pro। 17,999 का प्राइस है, और जो कलर है और जो बिल्ड है काफी रबराइज्ड, काफी स्वीट सी लगती है। इनका भी डिजाइन काफी सिमिलर है। ईयरफोन्स दिखने में काफी डिफरेंट से हैं, बट मेरे कान में तो सही फिट आ रहे हैं, और हमने जितने भी लोगों के ट्राई करे सबको भाई फिटिंग विटिंग में कोई दिक्कत नहीं हुई। कॉल क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट लगी। साउंड में भाई चाहे शहनाई की आवाज हो चाहे ढोलक बज रही, इस प्राइस पॉइंट में डेफिनेटली काफी प्यारी क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। बैटरी बैकअप इसमें थोड़ा सा बेटर रख सकते थे, बट जो कंफर्ट है, कॉल क्वालिटी, वायरलेस चार्जिंग है, 360 ऑडियो भाई मूव कर लो, इधर उधर कर लो, बढ़िया रहता है। और आप एक्चुअली ट्रांसपेरेंसी मोड में आवाज बढ़ा सकते हो, तो बाहर की आवाज ज्यादा बूस्ट होकर आती है। एंड्रॉइड के लिए अगर एक प्रीमियम ईयरफोन लेना तो भाई डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट चॉइस। नेक्स्ट हमारी लिस्ट पे एप्पल के एक और एप्पल AirPods Pro। फर्स्ट वाले में सेकंड वाले में इतना ज्यादा फर्क नहीं है, और ये वाले आपको 7,000 से 8,000 रुपए सस्ते देखने के लिए मिल जाते हैं। जो साउंड क्वालिटी है वो इनमें भी काफी तगड़ी है। नॉइस कैंसिलेशन सेकंड सीरीज में तो भाई नेक्स्ट लेवल है, बट इसमें भी वन ऑफ द बेस्ट आप डेफिनेटली बोल सकते हो। नेक्स्ट हमारी लिस्ट के ऊपर ओप्पो इनको X2। इनका प्राइस है 11,000 रुपए। एक नजर में अगर आप देखो थोड़ा डब साबुन वाली फील देते हैं, बट इनका डिजाइन काफी प्यारा है, पीछे डाइन ऑडियो लिखा हुआ है। टच में मेरे को हल्की सी दिक्कत आई, बैटरी 27 घंटे तक चल जाती है। साउंड में बेस डेफिनेटली काफी ज्यादा तगड़ा है, मिड्स और हाईज हल्के से मुझे बैलेंस्ड फील हुआ। अगर 20,000 के ईयरफोन से कंपैरिजन करोगे तो डेफिनेटली थोड़ा कम लगता है, बट इनका प्राइस भी 11,000 रुपए, उस प्राइस के हिसाब से तो डेफिनेटली एक अच्छी चॉइस होंगे।
नेक्स्ट है हमारी लिस्ट के ऊपर सोनी के लिंक पर्ट्स। इनका छोटा सा केस है, प्राइस है 12,990 रुपए। इन्होंने हिसाब से बनाया था कि बाहर की आवाज भी आती रहे, अंदर की आवाज भी आती। सबसे पहली चीज तो मेरे कान में नहीं फिट आते, मतलब गिर जाएगा यार कान से। देखो मैं हल्का हिलाया, गिर गया। वॉल्यूम इतनी कम है कि मेरे को एक सेकंड के लगा भाई मेरा कान तो नहीं खराब हो गया, बट नहीं, ईयरफोन है। मेरे को दिखने में कूल लग रहे थे और हवा हवाई से लग रहे थे। मत लेना प्लीज। तो भाई सीधा सीधा बताऊं तो नॉर्मल यूजर के लिए गैलेक्सी बड्स प्रो 2 काफी अच्छे रहेंगे अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है। अगर आपके पास आईफोन है तो एयरपॉड्स भाई बहुत तगड़ा ऑप्शन है। और अगर थोड़ा कम प्राइस में लेने 11 तो भाई ओप्पो डेफिनेटली अच्छा ऑप्शन। भाई के बेटे का बर्थडे 10,000 के नीचे बेस्ट ईयरफोन दिखाओ। या आपके बेटे के लिए 5 से 10,000 के अंदर बेस्ट। ये थोड़ी हॉट कैटेगरी है। सबसे पहले हम देखेंगे वन प्लस बड्स प्रो। इनमें नीचे ऐसे लोहा लंगड़ लगा रखा, भाई कान में लगाओ कूल से लगते हैं। कंफर्ट के मामले में डेफिनेटली काफी प्यारे हैं। 9,990 रुपए में आते हैं। केस वैसे तो मैटब्लैक वाला बट हल्का सा थोड़ा सस्ता फील देता है, बट ईयरफोन्स कान में डाल के भाई प्रीमियम फील होते हैं। इन ईयरफोन्स की बिल्ड और इनकी आवाज मुझे डेफिनेटली काफी प्यारी लगी। बेस काफी खुल के आता है, काफी रिच है, हाइज भी काफी क्रिस्प है, मिड्स हल्के से बेटर हो सकते थे। बैटरी 38 आवर्स चल जाती है जो काफी ज्यादा तगड़ी है, और कनेक्टिविटी और कॉल क्वालिटी में भाई कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल 10,000 के अराउंड है ये ईयरफोन लेने तो डेफिनेटली काफी तगड़ा ऑप्शन है। ये हमारे नेक्स्ट वाले लिस्ट के ऊपर मेरे को काफी कूल से लग रहा था। मेरे को ना BMW की चाबी वाली फील दे रहे थे। इसमें आप देखो यहाँ पे बड़ा वाला USB पोर्ट है और इसको खोलोगे तो यहाँ पे शीशा मिलता है। अपना ऐसे बाल वाल सेट करना, ये देखो क्या लाइट जोड़ ब्लू कलर की। इसकी खास बात है कि भाई हाथ में पकड़ने में काफी अच्छा लग रहा है। इन ईयरफोन को आप एक्चुअली एक पावर बैंक की तरह यूज कर सकते हो। इसकी बैटरी महीने महीने चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। साउंड और कनेक्टिविटी कम्फर्ट सारी चीजें बेकार। नेक्स्ट हमारे सोनी WF-XB700 7,000 रुपए का। मतलब जो केस है उसका सस्ता सा लग रहा है। ये तो 2-3 ईयरफोन को मिला के बनाया हुआ ऐसा लग रहा है, बट इसको में लगा के देखते हैं। अरे बाप रे ये भाई ईयरफोन ये कुंडल, ये एक्चुअली काफी ज्यादा बड़े हैं और केस भी इनका अच्छा खासा बड़ा, बट ये दोनों मिला के भी बस 18 घंटे चलते। ये वाले ईयरफोन काफी महंगे हैं, बट इनमें आपको नॉइस कैंसिलेशन भी नहीं देखने मिलती। साइज में काफी बड़े हैं और इतने बड़े होने के बाद इसमें बेस अच्छा आ जाता है, बट हाइज मिड्स डिसेंट आप बोल सकते हो। ओवरऑल भाई इस प्राइस पॉइंट पे इनको रिकमेंड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हमने अभी रिसेंट ट्राई करते हैं नथिंग ईयर स्टिक। ये भी मतलब लिपस्टिक वाली थोड़ी फील देते हैं। इनका डिजाइन थोड़ा सा अलग सा, इनमें ऐसी चोच सी नहीं निकली हुई, इनका ऐसा तोता बंद कर रखा है। इनको देखो घुमाने में काफी मजा आता है, सुनने में थोड़ा सा कम आता है। ऑन ईयर ईयरफोन्स हैं तो ऑफकोर्स भाई साउंड हल्की सी लीक होती है और उसके साथ साथ साउंड क्वालिटी मतलब इन ईयर से हल्की सी कम रही। नेक्स्ट है JBL की 230NC। इनका प्राइस है 5,500 रुपए। इनमें लाइट काफी अलग से लगा रखी, JBL का बड़ा सा लोगो है, बैक साइड में USB पोर्ट है और मतलब पकड़ने में डेफिनेटली इनका केस काफी सस्ता सा लगता है। और ईयरफोन भी भाई इनके प्राइस के हिसाब से थोड़ा सा कम प्रीमियम लगते हैं, बट इनकी आवाज काफी प्यारी है। इसमें बेस काफी अच्छा है, मतलब ऐसे ढोलक वोलक बजाई हो तो मजा आएगा। हाइज वाइज हल्का सा कम है, बट ओवरऑल साउंड क्वालिटी इस प्राइस पॉइंट पे आपको मजे देगी। और एक चीज और मजे देने वाली वो है इसकी बैटरी, 40 घंटे इसकी बैटरी चल जाती है। हेलो है, अरे हेलो, अरे यार TWSE चाहिए पड़ेगा यार। हाँ भाई कॉलिंग में आपको अब मैं दिखाता हूँ बढ़िया। नेक्स्ट हमारे भाई महारथी आ रखे हैं 2,000 से 5,000 की प्राइस ब्रैकेट में। सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्ड बड्स। ये वाले मतलब अलग से दिखते हैं भाई, पीछे ना ऐसे गोल सा शीशा लगा रखा, यहाँ पे ऐसे टच भी कर सकते हो। ओहो ये 2,800 रुपए के आते हैं। केस भी पूरा प्लास्टिक है, इनकी बिल्ड भी पूरी प्लास्टिक है। दिखने में भाई जरूर अलग से लगते हैं, बट साउंड अलग से नहीं करते। इसके अंदर बेस काफी भारी भरकम, आपको धंधन बड़ी आवाज आएगी, रैप वैप आपको सुनना मजा आएगा, बट जो मिड है और जो हाईज है वो आप डिसेंट बोल सकते हो इस प्राइस पॉइंट पे। कनेक्टिविटी में भी और साउंड क्वालिटी में ज्यादा दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हमारे पास ऊपर की साइड अगर आपको दिख रहा हो भाई, ये है रियलमी के बड्स एयर 3। 4,000 रुपए के आते हैं, ब्लू कलर में हमने ले रखा। इन वाली ईयरफोन्स का ANC इस प्राइस पॉइंट में बहुत ज्यादा तगड़ा है। तो अगर आप घर वालों की चिक चिक या मेट्रो में लड़ाई झगड़ा सुन के थक चुके हो तो भाई डेफिनेटली वाली ईयरफोन में मजा आएगा। प्लास्टिक भी अच्छी क्वालिटी का फील होता है, डिजाइन भी पकड़ोगे लगाओगे कान में कंफर्टेबल रहता है। 30 घंटे बैटरी लाइफ चल जाती है। मिड्स विड्स अगर समझ लो, रैप वैप वाले गाने सुन रहे हो तो डेफिनेटली आपको मजा आएगा। और साउंड हल्की सी और अगर बेटर होती बेस में और हाइज में तो और मजा आता, बट एक चीज है भाई लाउड बहुत ही ज्यादा कर रखे हैं तो फुल वॉल्यूम पे चलाने में भाई दिक्कत होगी। नेक्स्ट है हमारे ओप्पो की एनको एयर 2 प्रो। भाई लाम काफी लंबा सा है बट लेफ्ट राइट इतना बड़ा लिख रखा है उसमें कभी दिक्कत नहीं। जो ईयरफोन है उनका फिट कान में काफी कंफर्टेबल फील होता है। 28 घंटे बैटरी चलती है, बट एक चीज में डेफिनेटली काफी ज्यादा तगड़े हैं, वो है इनकी आवाज। जो बेस है, जो मिड्स है और जो हाईज है वो काफी बैलेंस्ड और काफी ऐसे कटे कटे से फील होते हैं, मतलब सारी चीजें अलग अलग से बढ़िया सुनाई देती है। और ओवरऑल इस प्राइस पॉइंट पे भाई डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट साउंडिंग ईयरफोन आप बोल सकते हो। इनमें मेरे को कॉल क्वालिटी
बैटरी में हल्की सी दिक्कत लगी और बैटरी थोड़ी बेटर होती और मजा आता। नेक्स्ट हमारी लिस्ट के ऊपर है वन प्लस के बड्स Z2। इनकी डिजाइन में काफी देखी देखी फील होती है, इसमें ईयरफोन आराम से चिल करके लेटे रहते हैं। ये सही बताऊं थोड़ा सस्ता फील होता है, 5,000 के हिसाब से मतलब और बेटर करा जा सकता था। बेस है काफी तगड़ा है, मिड्स भी अच्छी आवाज आती है, हाइज थोड़े और बेटर हो सकते थे, बट कम्फर्ट में, कनेक्टिविटी में, ओवरऑल जो ये पैकेज बना के देते हैं इस प्राइस पॉइंट पे वो डेफिनेटली काफी तगड़ा है। इस प्राइस पॉइंट में भाई इनको डेफिनेटली रिकमेंड करा जा सकता है। अरे आप परेशान मत हो, 1 से 2 हजार के अंदर निकाल के दिखा भाई। अब युद्ध में नए महारथी आ चुके, 1 से 2 हजार के प्राइस ब्रैकेट में। पिछले साल जब हमने रिव्यू करे तब इतने बढ़िया ईयरफोन्स नहीं देखने के लिए मिलते थे, बट अब आ गए हैं भाई। सबसे पहले हमारी लिस्ट के ऊपर बोट के एयरडोप्स 141। कवर ग्रे कलर का काफी बड़ा सा है और इसके अंदर जो ईयरफोन है वो भी अच्छे खासे बड़े हैं। इस प्राइस पॉइंट में प्लास्टिक की ओके क्वालिटी आपको मिल जाएगी, कान में लगाने में कंफर्टेबल हो, गाना बढ़िया है तो बहुत है। सही आ रही है, फिटिंग तो सही आ रही है यार, मेरे ऊपर तो सभी अच्छे। मेरे को एक चीज फील होती है, सस्ते वाले ईयरफोन्स में ना वो खोलने बंद करने वाला मजा कम रहता है। 1 से 2 हजार वाले जितने ईयरफोन है ना, बैटरी कुछ 40 घंटे को 50 घंटे नहीं चलती। हमने चला के देखा 20-22 घंटे के अराउंड हमको बैटरी लाइफ देखने के लिए मिली, बट आवाज में कोई धोखा नहीं था। एक तो कान में पहनने में भी कंफर्टेबल रहते हैं। इस प्राइस पॉइंट में होता है कि मतलब सब कुछ बढ़ा दो, बेस भी बढ़ा दो, हाइज भी बढ़ा दो, छन अलग ही आ रही है। बहुत ज्यादा बूस्टेड हाइज और बेस लगता है तो उससे थोड़ी अननेचुरल आती है साउंड, बट मजा तो आता है। नेक्स्ट है भाई ओप्पो के एनको एयर 2। और इस प्राइस पॉइंट पे भाई इसका जो केस है, उनकी जो बिल्ड है वो मेरे को सबसे ज्यादा प्रीमियम लगी। नीचे आप देखो हल्का हल्का मेटल भी दे रखा है और इन्होंने बाहर की तरफ खिड़की लगा रखी है, अगर आप डालना भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। कंफर्टेबल तो है बट ये थोड़े से ऑन ईयर टाइप के हैं, आवाज हल्की सी कम आती है, बट आवाज में बेस मिड्स हाइज तीनों चीजें काफी बैलेंस्ड है और काफी नेचुरल सी फील इसके अंदर आती है। मैं बोलूंगा काफी एक रिच और अच्छा साउंडिंग एक्सपीरियंस आपको लगेगा। इसमें ना आपको फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती, चार्जिंग मेरे को थोड़ी सी स्लो लगी, पर लाइक ठीक है, इस प्राइस पॉइंट पे एडजस्ट करा जा सकता है। नेक्स्ट है भाई बोट ऑडियो ईयरबेस। ये तो भाई ये शुरू होते ही खत्म हो गया, बट एक बार खोल लेते हैं। अरे बाकी का कहाँ रह गया, कंप्लेन लाओ भाई। छोटे हैं हल्के हैं, मतलब कान में पहनोगे आपको बस हल्के हल्के लगेंगे, तो भाई इसमें बेस कम है और मिड साइज भी डिसेंट आपको देखने मिल जाती है, बट ओवरऑल साउंड क्वालिटी भाई काफी इंप्रूव करी जा सकती थी इस प्राइस पॉइंट पे। बट कंफर्ट के मामले में हल्के से रहते हैं, पूरे दिन लगा के रखो मस्त रहेगा, तो अगर उन सब चीजों के लिए चीज तो बढ़िया, बट छोटे होने का फायदा भी होता है भाई, कहीं पे भी डाल लो। वो दे दिया, डन। नेक्स्ट हमारी लिस्ट के ऊपर नॉइज बर्ड्स VS-102। भाई इसको ना निकाल के मैं दिखाता हूँ। इसमें जैसे कि देख सकते हो बूमरैंग बन रखा है, आप पूछोगे दूसरी साइड वाला कहाँ गया, मैंने फेंका था बूमरैंग समझ के, वापस ही नहीं आया। बैटरी में ये 14-15 घंटे के अराउंड चल जाती है, जो मतलब इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से मैं डिसेंट बोलूंगा, मतलब आवाज वाज अच्छी आ जाती है, लाइक डिसेंट क्वालिटी साउंड आप बोल सकते हो। भैया जी 1,000 के नीचे दिखाओ, हर बार आपसे ही तो लेते हैं। अरे भैया 1,000 के अंदर ही दिखाओ एकदम झकास। नेक्स्ट हमारा सेगमेंट 1,000 रुपए के नीचे भाई आ भी जाते हैं वायरलेस ईयरफोन, बड़ी बात है भाई। बीट्रॉन के बेस बड्स प्रो के सबसे बड़ी दिक्कत इसमें मेरे को लगी डिजाइन की। तो अगर आपको निकालना है ईयरफोन, एक तो ऐसे नॉर्मली आप ट्राई करो ऐसे करके तो बिल्कुल नहीं निकलो, ऐसे करके निकालना पड़ेगा और इसमें यहाँ पे ये चुभता रहता है तो उंगली आपकी छिलेगी छिलेगी। पहनने वहनने में भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 800 रुपए के हाथ में देखो मैं एकदम सही बताता हूँ, इसकी आवाज नहीं अच्छी लगी, बहुत बेसिक सी आवाज है। अब काम वाम चलाने के लिए चाहिए तो थोड़ा ओके मतलब दिक्कत है। बैटरी वैटरी भी इसमें 32 आवर्स बताई जाती है, बट इतनी चलती नहीं। नेक्स्ट हमारे लिस्ट पे आया था मीवी के डुओ पॉड F30। 1,000 रुपए के अंदर आपको ईयरफोन देखने को मिलते हैं, वो तो सस्ते हैं बट कान में डालने में एक्चुअली काफी कंफर्टेबल फील हो रहा है। जो बेस है छन अपना रैप वैप आ रहा सारी चीज, वो मेरे को अच्छा लगा यार। 1,000 रुपए के हिसाब से भाई डेफिनेटली पैसा वसूल आप इसको बोल सकते हो। और कनेक्टिविटी और बाकी सारी चीजें भी हमको ठीक ठीक लगी इस वाले पे। 45 घंटे वो क्लेम करते हैं, बट विश्वास मत करना, 2-3 दिन आपकी बैटरी चार्ज चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये वाले 1,000 रुपए के लिए भाई डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी। हमने सारे देख लिए बट सब में एक या दो जो बेस्ट हैं वो हम बताने की कोशिश करते हैं। 10 से 20 हजार में सैमसंग के बड्स 2 प्रो भाई डेफिनेटली काफी प्यारे हैं। 5 से 10 हजार में भाई वन प्लस बड्स प्रो मेरे को काफी बढ़िया लगे। 2 से 5 हजार में भाई वन प्लस के फिर से भाई बड्स Z2 और 1 से 2 हजार के अंदर भाई ओप्पो एनको एयर 2। 1,000 के अंदर भाई मीवी वाले बहुत प्यारे हैं डुओ पॉड्स F30। तो एंड तक रुके, होपफुली आपके लिए यूजफुल है। सब्सक्राइब करके जाना, चलो बाय।